नमस्कार दोस्तों, सब लोग को जिंद दोस्तों, वेलकम टू अमित ब्लॉग। इस टाइम में आप सभी लोग का स्वागत है। मेरे तरफ से आप सभी लोग को सबसे पहले जोहार। और जितने लोग ये वीडियो को देख रहे हो, सब लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि ऑनलाइन ऑफलाइन जो भी वैकेंसी आएगा ना, वो आपका भाई का चैनल पे सबसे पहले इन्फॉर्मेशन आप तक मिल जाएगा दोस्तों। साथ ही साथ दोस्तों, अगर अभी तक आप लोग टेलीग्राम का ग्रुप अगर ज्वाइन नहीं किया तो क्या कर रहे हो यार, जाके टेलीग्राम का ग्रुप है ज्वाइन कर लेना। वहां पर वैकेंसी का जितना भी नोटिफिकेशन आता ना ऑफलाइन का, सारा वहां पर मैं भेज देता हूँ। बहुत सारा ऐसा भी होता है कि वीडियो में बना नहीं पाता हूँ, तो उसका जो ऑफलाइन वैकेंसी आता ना, तो ऑफलाइन वैकेंसी का जो भी नोटिफिकेशन आता पीडीएफ में टेलीग्राम में भेजता हूँ, तो टेलीग्राम ग्रुप जाके ऐड हो जाना। तो चलिए दोस्तों, आज का वीडियो हम लोग बात करने वाले दोस्तों, झारखंड में दोस्तों आप लोग का 47,000 वैकेंसी का एक नया अपडेट आ चुका दोस्तों। जितना भी विभाग दोस्तों खाली है, वो सारा विभाग में दोस्तों अब आप लोग का जैसे इलेक्शन खत्म होता है, उसके बाद आप लोग का सभी विभाग में भर्ती आने वाला। अभी फिलहाल देखिए इलेक्शन है, इलेक्शन के वजह से आपको मालूम है कि आचार संहिता लगा हुआ, तो कोई वैकेंसी का प्रोसेस को नहीं बढ़ा सकता, क्योंकि आचार संहिता में कोई वैकेंसी का नोटिफिकेशन निकाल ही नहीं सकता, आप लोग को मालूम है। तो जितना भी वैकेंसी अब आएगा नया वैकेंसी दोस्तों, जैसे आप लोग का सरकार बैठेगा, कोई भी सरकार बैठेगा, क्योंकि भाई बहुत दिनों से 5 साल से कोई भी वैकेंसी आप लोग का आया नहीं है सही ढंग से। उत्पाद सिपाही झारखंड पुलिस तो दोस्तों आया, लेकिन इसका प्रोसेस नहीं हो पाया। लेकिन देखिए यहाँ पर आप लोग का एक पेपर कटिंग दिखाई दे रहा, वहां पर आपको बताया गया कि इस साल फिर जो दिसंबर का लास्ट तक हो सकता है, इसमें आपको अपडेट मिल जाएगा कि नया नया कुछ वैकेंसी आने वाला। टोटल जो वैकेंसी आएगा वो सरकारी पद जो खाली है दोस्तों झारखंड में, वो लगभग 47,000 से 48,000 वैकेंसी खाली है दोस्तों। कौन कौन विभाग में कितना पोस्ट खाली है वो भी आपको दे दिया गया, डाटा पूरा आ चुका है दोस्तों। अब आप लोग का IRB वैकेंसी आने वाला, होमगार्ड का भी दोस्तों वैकेंसी आने वाला, 19,000 होमगार्ड का लगभग आप लोग का अपडेट आने वाला सभी जिला में दोस्तों झारखंड में। साथ ही साथ दोस्तों IRB वैकेंसी दोस्तों 19,000 आने वाला, लेकिन 19,000 झारखंड में नहीं आएगा, वो कहाँ कहाँ आप लोग आएगा, जहां जहां नक्सली क्षेत्र, तो कहाँ कहाँ नक्सली एरिया दोस्तों, उसी एरिया पे आप लोग का वैकेंसी आने वाला IRB का दोस्तों, लेकिन झारखंड में आएगा दोस्तों IRB, ये एक जान लो। और जेप का भी वैकेंसी आने वाला, वो अभी पूरा क्लियर हो चुका। वन विभाग का भी कुछ कुछ वैकेंसी आने वाला, सारा दोस्तों जो ये आप लोग का कौन कौन सा विभाग में आएगा, टीचर का भी वैकेंसी आने वाला कुछ कुछ दोस्तों, सारा जो वैकेंसी है टोटल मिलाकर दोस्तों 47,000 अभी आपको बताया गया, उतना वैकेंसी आप लोग का देखने को मिलेगा दोस्तों। तो ये पूरा क्लियर हो चुका। उसके लिए दोस्तों देखो, झारखंड में अब आप लोग का बहुत ज्यादा कमेंट आया था कि भैया झारखंड उत्पाद सिपाही का दौड़ का प्रक्रिया तो हो चुका, लेकिन इसका एग्जाम का प्रक्रिया कब तक होगा, इस वीडियो में वो भी आपको जानकारी मिल जाएगा। आप लोग का बहुत ज्यादा कमेंट रहता है कि अमित भैया कुछ अपडेट दीजिए, क्या प्रोसेस होगा या नहीं होगा, क्या नया सरकार आएगा तो क्या ये वैकेंसी कैंसिल हो जाएगा, ये बहुत सारा आप लोग का तरह तरह का कॉमेंट आया था। साथ ही साथ दोस्तों आप लोग का एक कॉमेंट आया था ये भी कि झारखंड पुलिस का तो फॉर्म भरा लिया, लेकिन अभी तक इसका प्रोसेस कुछ नहीं हुआ, कि ये वैकेंसी कैंसिल हो जाए क्या भैया नया सरकार अगर कोई बैठेगा तो। तो देखो, कोई भी वैकेंसी कैंसिल नहीं होगा, जो भी आप लोग फॉर्म को फिलअप किए हो वो कैंसिल नहीं होने वाला। झारखंड पुलिस का भी भर्ती जो है दोस्तों अभी हो जाता, अगर आपका इलेक्शन नहीं होता ना तो ये भी प्रोसेस हो जाता, इसका टेंडर वगैरह जो भी है ना प्रक्रिया सब कुछ हो चुका। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले दोस्तों आप लोग के लिए गुड न्यूज है दोस्तों, जो भी कैंडिडेट SSGD, रेलवे, बैंकिंग, झारखंड पुलिस, उत्पाद सिपाही या कोई भी स्टेट का अगर आप पुलिस का तैयारी करो, तो फाइनली दोस्तों आप लोग के लिए गुड न्यूज आ चुका दोस्तों टेस्ट बुक की तरफ से दोस्तों। इस बार जो ऑफर आया दोस्तों सिलेक्शन वाला दिवाली, मतलब दिवाली का टाइम में आपको धमाका वाला ऑफर आ चुका दोस्तों आप लोग का। ये जो ऑफर होगा दोस्तों ये 29 अक्टूबर का आप लोग का होने वाला। और जितने लोग दोस्तों झारखंड पुलिस, उत्पाद सिपाही और SSGD या कोई भी कंपटीशन का तैयारी करो, सामने आप लोग का रेलवे का भी एग्जाम है दोस्तों, तो देर मत कीजिए, कल का डेट है दोस्तों 29 अक्टूबर, और कल ही आप लोग का ये सेल आने वाला दोस्तों, और बहुत ही बड़ा धमाका होने वाला। अभी आप लोग का देखिए प्राइज आप लोग का बताया नहीं गया, कल आप लोग का प्राइज बता दिया जाएगा, और ये कम से कम प्राइज पे आपको मिलने वाला दोस्तों। और आपको भी मालूम है दोस्तों, कोई भी कंपटीशन में अगर आप तैयारी करो, अगर आप टेस्ट बुक से टेस्ट नहीं मारिएगा ना, तो फिर आपको समझ में नहीं आएगा कि आप कितना पानी में, आपका कितना नंबर आ रहा, और आप सिलेक्शन ले पाओगे या नहीं ले पाओगे, आपका कितना रैंक आ रहा, और आपको किस लेवल की तैयारी करना दोस्तों। अगर आपका अच्छा नंबर आ रहा है तो आपको सिलेक्शन इस बार होगा या नहीं होगा, और आपका अगर कम नंबर आ रहा तो वो भी आपको मालूम चल जाएगा कि आप कितना पानी में हो, आपको किस लेवल पे तैयारी करना पड़ेगा, और क्या चीजों में आपको कमी है, क्या चीज में आपको ध्यान देना है, सारा आपको मालूम चल जाएगा। इसलिए दोस्तों जितने लोग झारखंड पुलिस, उत्पाद सिपाही या कोई भी कंपटीशन का अगर आप तैयारी करो, तो दोस्तों टेस्ट बुक से दोस्तों टेस्ट लगाना बहुत ही जरूरी है दोस्तों। जितना ही लोग सिलेक्शन लेता है दोस्तों टेस्ट बुक से टेस्ट लगाता ही है वो लोग, तो देर मत कीजिए, कल ही आप लोग का ये ऑफर आने वाला। आप लोग देख लीजिए यहाँ पर, ये जो ऑफर है दोस्तों
29 अक्टूबर को आप लोग का रहने वाला, कल ही दोस्तों, कल आप लोग लास्ट ईयर आप लोग का रहने वाला। साथ ही साथ दोस्तों अगर आप लोग के लिए और एक गुड न्यूज है दोस्तों, अगर आप लोग परचेज करते हो दोस्तों टेक्स्ट बुक से दोस्तों, तो आप लोग क्या कीजिएगा कि जब भी आप लोग परचेज कीजिएगा तो मेरा कूपन कोड यूज कीजिएगा दोस्तों, स्टार STAR स्टार सारा दोस्तों बड़ा बड़ा अक्षर से लिखिएगा, STAR12 अगर आप लिखिएगा तो उसमें आप लोग का क्या होगा कि डिस्काउंट मिल जाएगा दोस्तों। वीडियो का डिस्क्रिप्शन में मेरा लिंक होगा, कमेंट सेक्शन में भी लिंक हम दे रहे हैं, वहां से जाइए और ये डाउनलोड कीजिए आप लोग का टेक्स्ट बुक का। अगर आप डाउनलोड नहीं किए हो तो डाउनलोड कर लीजिए और टेक्स्ट बुक से टेस्ट का ये परचेज कर ही लीजिएगा। कल ये दोस्तों धमाका वाला ऑफर आने वाला दिवाली का अवसर पे दोस्तों, तो ये ओनली एक दिन के लिए ऑफर आ रहा, तो कल आप लोग याद से ये टेक्स्ट बुक का ले ही लीजिएगा दोस्तों। और ये कम से कम प्राइस होने वाला, अभी तक का सबसे कम प्राइस कल ही का डेट पे आप लोग का देखने को मिलेगा दोस्तों। और ये जब भी आप लोग परचेज कीजिएगा टेक्स्ट बुक का, ये आप लोग का कूपन कोड जो यूज कीजिएगा दोस्तों, तो ले ही लीजिएगा आप लोग। हो चुका टेंडर वगैरह जो भी आगे का जो भी प्रक्रिया होता सारा दोस्तों आप लोग का मालूम है कि इसका ये भी आ चुका, रिजेक्शन लिस्ट भी आ चुका झारखंड पुलिस का कि कितना फॉर्म एक्सेप्ट हुआ कितना रिजेक्ट हुआ, सब कुछ हो चुका है। जो भी होता है उसका प्रोसेस होता है कि जितना भी टीम वगैरह का गठन है, कौन सा विभाग में कौन सा रहेगा, टोटल कितना जगह पे दौड़ होगा, सब कुछ का प्रक्रिया हो चुका। बस दोस्तों अभी इलेक्शन आ गया ना, इलेक्शन के वजह से अभी रुक गया वैकेंसी, नहीं तो उसका प्रोसेस भी हो जाएगा। और एक चीज आप लोग के लिए गुड न्यूज है दोस्तों, जो भी झारखंड पुलिस में 4919 वैकेंसी है ना, वो वैकेंसी बढ़ भी सकता है समझ लो। अगर कोई नया सरकार अगर आया तो समझ लो कि ये वैकेंसी बढ़ भी सकता है, 4919 से लगभग आप लोग का 5000 से या 6000 वैकेंसी हो जाएगा दोस्तों। अभी फिलहाल देखो जो भी वैकेंसी आया वो पूरी तरह से क्लियर वैकेंसी नहीं आया, बैकलॉग वैकेंसी आप लोग का आया। बैकलॉग मतलब कि पहले जो वैकेंसी बचा खुचा कुछ, मान लो कि दूसरा कोई भर्ती आया था इससे पहले दोस्तों झारखंड पुलिस का, उसमें कुछ कुछ वैकेंसी बच गया था ना, उसको अटैच करके लाया गया, तो अटैच करके लाया गया तो उसमें वैकेंसी दोस्तों कम मात्रा पे वैकेंसी आया, लगभग 3000 वैकेंसी इधर है, बैकलॉग का 2000 वैकेंसी आया इंक्लूड हो चुका, तो टोटल आप लोग का मतलब 4000 समझ लो कि वैकेंसी आया दोस्तों, 4919 वैकेंसी आप लोग का टोटल आया। तो वो वैकेंसी को इंक्रीज भी किया जा सकता है अगर नया सरकार अगर बनेगा तो। और IRB वैकेंसी आप लोग का तैयार रहो IRB के लिए दोस्तों। और जितना भी वैकेंसी है दोस्तों इसके बाद झारखंड पुलिस और झारखंड उत्पाद सिपाही का जान लो, उसके लिए आपको तैयारी मजबूत करना पड़ेगा। कोई भी वैकेंसी दोस्तों अब आप लोग का एग्जाम पे फोकस करना पड़ेगा तभी आप झारखंड में जॉब ले पाओगे। उसके लिए आपको बेहतर कहाँ से तैयारी करें आप लोगों को बता दिए, तो बिल्कुल आप लोग जाके टेस्ट बुक में आप लोग टेस्ट सीरीज कल आप लोग का आने वाला वो जाके ले लेना आप लोग, क्योंकि आपको पहले ढूंढना पड़ेगा कि कितना मेरा नंबर आ रहा, वो हिसाब से आपको तैयारी पे लगना पड़ेगा। बस आपको रनिंग करने से अब होने वाला नहीं, क्योंकि IRB का जो वैकेंसी ना उसमें सबसे पहले दौड़ नहीं होगा आप लोग का, एग्जाम का प्रक्रिया होगा, सिलेबस का पैटर्न आपको बता देंगे। फिलहाल अभी अपडेट कर दिए आप लोग को कि देख लो, अब आप लोग थोड़ा सा अलर्ट हो जाओ, IRB का वैकेंसी आने वाला और वन विभाग का वैकेंसी आने वाला। कुछ कुछ चलिए आपको बता देते हैं, स्कूल आप लोग का आने वाला, स्कूल का भी दोस्तों, पैरामेडिकल का भी कुछ कुछ आप लोग का आने वाला है, और इधर आप लोग बहुत सारा वैकेंसी आप लोग का देखिए दोस्तों, आप लोग का 2025 में आप लोग देखने को मिलेगा कुछ कुछ वैकेंसी, और इंटर लेवल का कुछ कुछ वैकेंसी दोस्तों, IIT का कुछ वैकेंसी है यहाँ पर आपको दिया गया, पैरामेडिकल का भी कुछ कुछ वैकेंसी है, उत्पाद सिपाही का 583 दिया हो कुछ इंक्लूड आप लोग का देखो अगर हो जाएगा तो सही है, और झारखंड पुलिस झारखंड डिप्लोमा स्तर का कुछ कुछ वैकेंसी है दोस्तों, और बहुत सारा आप लोग को इस तरह से आप लोग वैकेंसी दिया हुआ बिल्कुल, तो लग जाओ भाई लोग जितना भी लोग हो। स्कूल का बहुत सारा वैकेंसी है और भी आने वाला बहुत सारा है, लगभग आप लोग का 46-47 हज़ार वैकेंसी आने वाला, तो देख लो थोड़ा सा अलर्ट हो जाओ। आपको हम पहले ही बता दिया कि आप वैकेंसी आने वाला, और झारखंड पुलिस का दोस्तों जो दौड़ होगा दोस्तों वो जैसे आपको इलेक्शन खत्म होता है उसके बाद आपका प्रक्रिया चालू होने वाला, तो बिल्कुल अपना जो तैयारी है वो लग जाओ, क्योंकि देख लो आप लोग झारखंड पुलिस का सिलेबस में भी इस बार बदलाव किया गया, पहले क्या था पेपर 1 पेपर 2 पेपर 3 होता था, लेकिन इस बार आपको 2 पेपर में आपको एग्जाम देना है, पेपर 1 और पेपर 2 आप लोग का, आपको सिलेबस का पैटर्न भी मालूम चल गया कि बिल्कुल बहुत सारा आप लोगों को हट के इस बार सिलेबस बनाया गया झारखंड पुलिस का दोस्तों, तो वो हिसाब से आपको लड़ना पड़ेगा तभी आपका सिलेक्शन हो पाएगा। और समझ लो कि झारखंड में इस बार जो आप लोग का आया दोस्तों बैकलॉग वाला जो वैकेंसी आप लोग आया झारखंड पुलिस का, उसमें दोस्तों ना के बराबर ही सीट है, पुरुष का तो सीट ही नहीं है, तो समझ लो कि कंपटीशन किस लेवल का होगा, इसमें तो लड़की का सीट है, तो लड़की का सीट दोस्तों कंपटीशन बढ़ भी गया। अब बोलो कैसे कंपटीशन बढ़ गया, आपको मालूम है मेरा भाई बहन लोग जितने भी लोग देख रहे हो
कॉम्पिटिशन कैसे बढ़ा, जो गर्ल्स का टाइमिंग पहले जो बताया जा रहा था झारखंड पुलिस का वो लगभग 30 मिनट बताया जा रहा था, लेकिन दोस्तों वो एक नोटिस आया कुछ दिन पहले, उसमें आपको बता दिया गया कि 40 मिनट आप लोग का चाल होने वाला झारखंड पुलिस में। तो बिल्कुल देखो यहाँ पर क्लियर हो चुका था गर्ल्स उत्पाद सिफाई में, तो लगभग दोस्तों 90% पास हुआ था, 10% ऐसे गर्ल्स जो थी दोस्तों बहुत लोग पहुंचा नहीं था, वो लोग ही फेल हुआ। बाकी कुछ कुछ दोस्तों जो रनिंग एकदम ही एकदम लो, मतलब 10 दिन भी रनिंग नहीं किया, वो लोग ही फेल हुआ था समझ लो। तो इसलिए झारखंड पुलिस का दौड़ में आप लोग का कोई जान नहीं है, जहां जान है दोस्तों कहां पे, एग्जाम पे। तो एग्जाम देख लो, कंपटीशन बहुत हाई है गर्ल्स का भी, कम मत सोचो कि 3000 वैकेंसी है तो आराम से मेरा एक सीट हो जाएगा, सीट उसी का होगा जो मेहनत पे लग गया अभी से। और आप लोग बता रहे टेस्ट बुक्स, आप लोग टेस्ट मारा करो अभी, कितना नंबर आ रहा है आपका, कितना नंबर, कितना लेवल पे आ रहा, किस तरह से प्रोसेस आपका, सारा आपको मालूम हो जाएगा। एक चीज आपको बता रहे, अगर आप टेस्ट बुक से टेस्ट मार लोगे ना तो आपको मालूम चलेगा कि किस पानी पे आप हो, किस लेवल का आपको तैयारी करना। इसलिए आपको बार बार बता दे रहे हैं भाई लोग, अब लग जाओ। आप लोग बहुत लोग कमेंट करते कि भैया अमित भैया क्या रनिंग छोड़ दें क्या, कुछ भी अभी मत छोड़ो भाई, अभी अचानक से जब फिर प्रोसेस चालू हो जाएगा ना फिर बहुत ज्यादा दिक्कत हो जाएगा। एक तो झारखंड में पुलिस विभाग में बहुत ज्यादा दिक्कत हो चुका, पुलिस विभाग में बिल्कुल आप कोई भी उदाहरण पे आप देख लेना, अपना गांव का थाना में चला जाना, वहां पे देखना झारखंड पुलिस के एक गो रहता, दो या तीन गो रहता, उसी से मालूम आप चल सकता कि क्या स्थिति है झारखंड का दोस्तों। तो पुलिस विभाग में भी दोस्तों पुलिस का बहुत ज्यादा कमी हो चुका, सरकार भी सोच रहा अभी हो जाता, अभी देखो बहाली जो था ना झारखंड पुलिस का वो हो जाता, लेकिन दोस्तों जो झारखंड पुलिस का सॉरी झारखंड का जो चुनाव होने वाला था वो दोस्तों दिसंबर में सोचा गया था कि दिसंबर तक होगा, लेकिन अचानक से डेट आ गया नवंबर में ही आप लोग का। तो देखो इसका ये नवंबर तक पूरा क्लियर हो जाएगा, दिसंबर तक सरकार बैठेगा, उसके बाद दोस्तों जनवरी से काम शुरू हो जाएगा, नया साल में नया शुरुआत आप लोग का देखिए इस बार होने वाला है। अब आखिर कौन सरकार आता वो डिपेंड करेगा, बीजेपी सरकार आता या कांग्रेस सरकार आता या कोई अन्य सरकार अगर बैठता वो देखा जाएगा, लेकिन अपना हिसाब से वोट वगैरह करना और ज्यादा आप लोग एक्टिव रह के थोड़ा सा आप लोग पढ़ाई पे फोकस करो। देखो अगर आपको कोई अगर कोई वैकेंसी आ भी जाता है ना, अगर आपका तैयारी नहीं रहेगा तो फिर कोई फायदा भी नहीं होगा, इसलिए मैं आपको पहले ही एक्टिव कर दे रहा हूँ कि देखो आप लोग लग जाओ, वैकेंसी आने वाला है बहुत ही जल्दी आने वाला, और जब आएगा तो फिर आप अकबका जाओगे, बोलोगे उधर जाए या उधर जाए उधर जाए, तो आप एक चूज कर लो कि हमको इसी पे जाना। जैसे अगर मान लो कि आईआरबी में अगर आपको जाना है तो आप सोच लो कि हमको आईआरबी में जाना है, अगर आपको होमगार्ड में जाना है तो आप ये सोच लो कि हमको होमगार्ड का ही टारगेट लेके चलना है, उत्पाद सिपाही का अगर आपको टारगेट है तो उत्पाद सिपाही का टारगेट लेके चलना है, झारखंड पुलिस का अगर आपको टारगेट है तो झारखंड पुलिस में ही टारगेट लगा दो आप, क्योंकि देखो सारा में दोस्तों आप लोगों को जो सिलेबस है ना अलग अलग है, खिचड़ी मत बनाना आप लोग। मेरा बोलने का मतलब यही है कि जो भी चीज आपको करना है एकदम फिक्स उसी में टारगेट लेके आप चलो कि हमको वही जॉब लेना, झारखंड पुलिस से लेना, झारखंड उत्पाद सिपाही लेना, जो भी आपको टारगेट है वही आपको वो उसका तैयारी पे लग जाओ तभी हो पाएगा। और देख लो आपको 100% बता रहे कि जैसे आप लोग का खत्म होता है इलेक्शन उसके बाद दोस्तों बहुत सारा वैकेंसी आएगा, बहुत दिनों से नहीं आया भाई, 5 साल से झारखंड पुलिस का वैकेंसी नहीं देखने को मिला समझ लो। तो सरकार के पास भी और कुछ ऑप्शन नहीं था, सरकार जब नया अब बैठेगा तभी कुछ नया हो सकता है यहाँ पर, लेकिन अब एज वगैरह में भी छूट मिलेगा, अगर एज वगैरह में छूट नहीं मिलेगा तो हम लोग बिल्कुल आवाज उठाएंगे, टेंशन मत लीजिए, हम लोग जितना भी यूट्यूबर भाई है सब लोग आवाज उठाएंगे। बाकी देखिए नया नया वैकेंसी आने वाला तो बिल्कुल आप लोग तैयारी में लग जाइए, ज्यादा आप लोग इधर उधर मत जाइए, आप लोग का अभी छठ पूजा वगैरह वगैरह में ध्यान दीजिए हल्का फुल्का, लेकिन अपना तैयारी को अभी पीछे मत छोड़िएगा क्योंकि आप टाइम बचा नहीं है ज्यादा दिन समझ लो, जो भी बहुत किसी का तो लास्ट ईयर है। और एक बार आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि आपका ये और कितना अटेम्प्ट आपका बचा हुआ, झारखंड पुलिस का कितना बार आप दे सकते हो, झारखंड पुलिस झारखंड उत्पाद सिपाही का आप कितना बार भर सकते हो, मतलब आपका एज बचा है या नहीं बचाया, और किसी का लास्ट किसका लास्ट एज है वो लोग भी एक बार कमेंट करके बताना, और आप लोग कहाँ से मेरा वीडियो भी देख रहे हो एक बार वो भी कमेंट करके बता देना। बाकी आप लोग एकदम जोश के साथ लग जाओ, ये सोचो कि हमको इस बार कोई भी हालत में वर्दी लेना है या आपको कोई भी विभाग में जाना है तो उसी चीज का आप टारगेट लेकर चलिएगा, तब 100% आपको कोई नहीं रोक सकता, चाहे मेरा बहन देख रहे हो या भाई देख रहे हो, बिल्कुल आप लोग गौर से जो भी बताते हैं ना वो बिल्कुल एक्सपीरियंस के साथ बताते हैं मेरा भाई, कोई भी फेक अपडेट हम नहीं देते आपको मालूम है, इसलिए देख लो आप थोड़ा सा अलर्ट हो जाओ, जितना भी बहन भाई लोग वीडियो देख रहे हो ना थोड़ा सा एक्टिव हो जाओ, झारखंड पुलिस का भी होगा, झारखंड
उत्पाद सिफाई का भी होगा। उत्पाद सिफाई का कंप्रेशन को आपको बताने का कोई जरूरत ही नहीं है, क्या कंप्रेशन होने वाला है झारखंड उत्पाद सिफाई का, तो वो हिसाब से आपको लगना पड़ेगा। एक सीट आपको अपना बुक करना है तो वो हिसाब से आपको लगना पड़ेगा, सबसे हटके आपको तैयारी करना पड़ेगा, टेस्ट बुक से टेस्ट सीरीज लगाना पड़ेगा, और भी बहुत सारा आप लोग का है जो भी आपको कहीं से भी अगर आप तैयारी करो अपना बेस्ट देने का सोचो कि हमको 100% मेरा सिलेक्शन हो जाना चाहिए इस बार, और ये सोचना कि मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट नहीं है मेरा लास्ट अटेम्प्ट है वही सोच के आप लोग तैयारी करो, कोई नहीं रोक सकता आपको 100% बता रहे। बाकी आपका टी आर्मी वगैरह भी बहुत सारे वैकेंसी है, आप उस चीजों में भी इन्वॉल्व होना चाहते हो तो आप जा सकते हो, अभी आपका टाइमिंग है नवंबर से दोस्तों, कितना तारीख से शुरू होने वाला आपको बता दिए थे, वीडियो जाके देख लेना, टी आर्मी वगैरह का सारा मैं वीडियो बनाता हूँ, जाके आप लोग देख ही लेना भाई लोग। चलो बाकी जो भी पूछना रहेगा आप लोग पूछ लीजिएगा कॉमेंट सेक्शन में, अगर आपका कुछ डाउट है कुछ समझ में नहीं आया तो आप वो भी पूछ सकते हो। बाकी आप लोग इंस्टाग्राम में मेरे को फॉलो करके बता देना, अगर आपको कुछ समझ में नहीं आया कुछ अगर पूछना है तो आप मेरे को वहां से ही पूछ सकते हो, इंस्टाग्राम में मेरा कॉल भी आप कर लेना। बाकी चलिए सभी लोग को जय हिंद, आप लोग लग जाइए, आप लोग डिमोटिवेट मत होइए, त्योहार का इन्वॉल्व ज्यादा मत होइए, अपना पेपर पे ज्यादा फोकस करो मेरा भाई लोग। सभी लोग को जय हिंद, सबसे हट के तैयारी करना पड़ेगा तभी एक वर्दी आपको मिलेगा भाई। सभी लोग को जय हिंद, जय झारखंड, जोहार झारखंड।